काफी ओवर एक्टिंग होगी ना अर्षित? बहुत ज्यादा खुश तो बहुत होगे भैया आज हैं। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा भाई, न्यू फर्स्ट या लाइफ की पहली गाड़ी, कार, एसयूवी, सपना भी कह सकते हो, जीप कंपस। काम करते हैं, बैठ के बात करते हैं आराम से। अब बात करते हैं आपसे, देखो इसकी वीडियो वैसे मेरे मेन चैनल पे नहीं जानी थी। रीज़न ये था कि अपने को देखो बहुत ही सिंपल से परिवार से हूँ मैं, आप लोग जानते हो मेरी लाइफ जिसने देखी है पहली वीडियो से, वेलकम दोस्तों। उसके बाद इलाहाबाद, हाय फ्रेंड्स मेरा नाम है राकेश, और फिर अकबरपुर, और रूम का हाल दिखा देता हूँ, अब तो सेटअप छोड़ना है, और फिर फाइनली लखनऊ। ये वाला जी, ये ज़्यादा महंगा है? हाँ दोनों ग्लास। इन्हीं लोगों से पूछे क्या? आप YouTube पे क्या? ये गाड़ी मैंने ली है जो कि मैंने अपनी मेहनत से ली है, लेकिन इस मेहनत को रिजल्ट आपने दिया है। आप सोचो ना, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हमें कहाँ पहुँचाया, बट उसने सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया भाई, वीडियो आपने देखा, सब्सक्राइब आपने किया, कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड करी आपके लिए स्मार्टफोन लेने में, या थोड़ा बहुत अपने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें शेयर होती हैं, और आपने वीडियो देखी, कुल मिला जुला के जो रिजल्ट निकलता है। कई टाइप के व्यूअर्स होते हैं ना, जो सिर्फ वीडियो ऐसे आते देखते हैं अपनी नॉलेज के लिए, कई होते हैं जो ऐसे दिल से दिल जुड़ जाता है। मैं भी बहुत सारे चैनल फॉलो करता हूँ, तो मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को, अलग ही मतलब खुशी होती है, तो मैं सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। कहानी स्टार्ट होती है भाई हम लोगों की लगभग 6 महीने पहले, हर्षित जाहिर सी बात है घर वालों से पहले पूछा, उन्होंने कहा हाँ अगर लगता है तुम पैसे कमा रहे हो, कह तो रहे हो लेकिन दिखाओ। फिर मैंने क्या किया, मैं गाड़ी वगैरह रिसर्च करने लग गया, जैसे आप फोन लेते हो मैं इसके बारे में देखने लग गया। मैंने अरुण पवार से कॉन्टेक्ट किया, तो उसके बाद ये हुआ, मैंने अरुण भाई से बात करी, ईमेल किया कि यार कौन सी गाड़ी ले, एक दो गाड़ी में कंफ्यूज था, तो उसमें सभी देखेंगे कौन सी गाड़ी है, फिर यही हुआ कि और ये भाई सच ए नाइस मैन, आई कांट टेल यू ही इज सच ए नाइस मैन, इसका पेमेंट हो जाएगा अलग से। कट 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 कट। और ये वीडियो शूट हो रही, मेन वीडियो जानी है अरुण भाई के चैनल पे, ये तो भाई मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक पर्सनल कनेक्शन है तो शेयर करना चाहिए। अरुण भाई ने आधे सवाल पूछे, उसके बाद अरुण भाई के भाई, इनका कहना है सारे सवाल एक वीडियो में पूछेगा, जो हम लोग यहाँ आए हैं डीजल का खर्चा कैसे निकलेगा, कंटेंट आधा आधा डिवाइड करना है। कई सारी वीडियो कैसे कर लेते हो? कई सारी वीडियो हम सोच के आ रखे हैं जो पैसा निकाल रहे हैं ठीक है, हम 1000 रुपए टोल लगा के आ गए हैं, और 1000 लगाना है, और खाने पीने का खर्चा सब निकाल के जाएंगे ना इधर से। ये सही है, पता है यूट्यूबर लोगों का ये है कि जैसे मान लो गाड़ी लेने आई, इन्होंने नहीं दी, वो ज्यादा बेटर कंटेंट बन जाएगा। अरुण भाई ऐसा ही है ना? अरे अभी तो कंटेंट क्या है ऐसे, जैसे कि प्राइस कितना दिया है ठीक है, एक ये हो गया, फिर उसके बाद में इंश्योरेंस कौन सी कंपनी से लिया, क्यों नहीं लिया, हो गया, किया क्यों नहीं ली, 10 रुपए में तेल चला दिया, 10 रुपए का डीजल गिरवाया। अरुण भाई किया क्यों नहीं ली, 3 कंटेंट हो गया। हाँ भाई बहुत सारे हैं, मैं तो बाढ़ लगा दूंगा देख। और मैं एक पता नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं रोने लग गया था यार जिस दिन हमने गाड़ी ली थी, वो मैं ज़्यादा तो नहीं शो करूँगा, हल्का सा, बट ये एक मोमेंट है जो मेरी वीडियो में मैं चाहता हूँ आए, ये लाइफ टाइम के लिए कैद हो जाए। भाई जानते हैं एक चीज बताओ, थोड़े थोड़े हाथ कांप रहे मेरे यार। हर साल ये दिन आए। अरे 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 भाई तो इमोशनल हो गए। अरे राकेश भाई, बस भाई बस बर्थडे रोज आएगा, हर साल आएगा भाई, इमोशनल मोमेंट भाई इसीलिए बहुत ज्यादा। ये जीप कंपस लिमिटेड 4x2 170 डीजल मैनुअल, बताइयो एक लाइन में पूरी है सारी पावर एक लाइन में। यस सो कुछ ऐसा था, अभी भी बात करते हुए मेरे को यादें आती हैं बहुत ही यार, मतलब जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, सबने मेरे को वो किया, क्रिटिसाइज किया कि क्या बीटेक करके तुम यूट्यूब शुरू कर लिए, तुम्हारे ये फलाना, ये पढ़ना लिखना बेकार है तुम्हारा। बट क्योंकि मैं ऐसे अर्ली एज में मैंने यूट्यूब शुरू नहीं किया था, मैं थोड़ा ग्रो कर गया था, मेरा माइंड इतना तो काम कर रहा था कि मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ, अगर मैं यहाँ से फेल हुआ वापिस चला जाऊँगा अपनी दुनिया में। तो सारी बातें याद आई मेरे को, ब्रांड्स बहुत लेट फोन रिव्यू भेजना शुरू किए, बिकॉज मेरी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ऐसी थी,
मैं बाहर जाके शॉप पे वीडियो बनाता था, आउटडोर शूट किया मैंने, दोस्तों से रिक्वेस्ट करता था भाई आज चल ले यार प्लीज कैमरा कंपैरिजन करना है। बहुत ज्यादा कुछ छुपा इसके पीछे यार, मम्मी पापा को लोगों ने क्रिटिसाइज किया, तुमने लड़के को इसे पढ़ाया क्या कर लेगा वो, मतलब इतना कुछ याद आ रहा था ना उस टाइम, तो ये सारी चीजें हुई थी। फिर मैंने ये गाड़ी ली, तो हमने सारी अपनी अरेंजमेंट कर ली है गाइस, और अभी जस्ट हमको इंतजार है तो सिर्फ पंडित जी का, जैसे पंडित जी आ जाएंगे तो हम कर देंगे पूजा स्टार्ट और उसके बाद हम जाएंगे घर। मम्मी पापा के साथ ही होगी, लेकिन एक इनिशियल जितना मुझे नॉलेज था वो मैंने किया। घर जाऊंगा मैं टाइम निकाल के, यूट्यूब पे काफी ज्यादा एक टाइम नहीं मिल पाता मुझे, और ये गाड़ी एक नई सीरीज शुरू करने वाली है आपके लिए या हमारे लिए चैनल के लिए। आपने देखा होगा ये अरुण भाई के साथ मैंने कोलैब किया, तो मेरे को एक आइडिया आया, ये लोग कार रिव्यू करते हैं ना, मैं यूजर रिव्यू करने वाला हूँ मैं, लेकिन इसको एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाने वाला हूँ, और मैं जितना हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि मैं रुकूं, मैं थकूं। बिना गिव अवे हमने 1 मिलियन किया, एंड डेफिनेटली देखो एक सच्चाई ये भी अगर आपके मन में आ रहा हो, स्पॉन्सरशिप भी मैं करता हूँ जब मुझे जरूरत से सही लगती है। लास्ट टाइम मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी, फ्लिपकार्ट का हमने स्पॉन्सरशिप कर दिया था, मैंने इंटेंशनली गलत नहीं किया था, बट बाद में पछतावा, उसके बाद मैंने कोई भी अमेजोन फ्लिपकार्ट का आज की डेट में मैं स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ। तो मैं जो भी गलत होता है या क्रिप्टो प्रमोशन, गैम्बलिंग, MPL खेलो, ये करो वो करो, अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो आप बस इतना समझ लो, ये बात हर्षित जानता और मैं जानता हूँ कि अगर मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ ना, तो मैं 10,000 रुपये रिजेक्ट कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे पता है ये जो व्यूज़ आते हैं ना वीडियोज़ पे, 5 लाख अभी की डेट में आ रहे एवरेज व्यूज़, बहुत ज़्यादा है मेरे लिए आपका प्यार। 1.5 मिलियन वाला सब्सक्राइबर वाला चैनल है यार, आई थिंक काफ़ी कुछ बोल दिया, बस क्या ही बोलूँ मैं। थैंक यू सो मच। तो भाई यहाँ पे हो जाता है हमारा एंड। मैंने गाड़ी कैसे चलाई पहले बताओ। बहुत बढ़िया चलाई भाई। मैं कोशिश करूँगा अपनी, मैंने वीडियो शूट किया है उसमें थोड़ा सा पार्ट शो करूँ, मैं शूट कर नहीं रहा था, फिर मैंने सोचा यार आप लोगों के साथ शेयर ना करो, तो यूट्यूब पे हम लोग जो भी है, चाहे अरुण भाई है, हम लोग बचपन का लगाव है मेरा। मनाली सनाली कहीं घूमाने ले चलेंगे यार, कभी आओ कंपास लेके भी। बहुत ही अच्छे से आकाश भाई सबसे मिलके, रवि भाई तो बोलते नहीं है, ये ना चुप चुप ही रहते हैं एकदम। चलो भाई ठीक है भाई, हर्षित भाई, हर्षित भाई, हाथ तो दिखा दो हर्षित भाई।